गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग अपने साइंस की क्लास में, है ना, कल हमने गॉस का जो नियम था, गॉस लॉ, उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है गॉस लॉ से कूलाम के नियम की उत्पत्ति को देखेंगे, है ना, उसके डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस। ठीक, गॉस थ्योरम लिख लें, है ना, गॉस थ्योरम। आज हम लोग जो है ना गॉस थ्योरम से, जो गॉस का प्रमेय था, जो गॉस का नियम था, उससे कूलाम्स लॉ की व्युत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें हेडिंग तो गॉस प्रमेय की सहायता से, ये भी देखिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति। ठीक, ये आपका एक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए पहले इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब से, है ना, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न हुआ है, ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूके बोर्ड में, इससे 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है, एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चैप्टर ऑप्टिक्स। यदि आप इसको तैयार कर लेंगे तो लगभग फिजिक्स में नंबर आपके पासिंग मार्क्स के आसपास, है ना, वेरी करने लगते हैं। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले वही है ना, हमारा एक प्लस क्यू आवेश है, धनात्मक आवेश हम लेंगे, है ना, प्लस क्यू आवेश। ठीक, जो किसी एक बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए इस आवेश के चारों ओर एक हम जो है R त्रिज्या का स्फेयर, ठीक, जो पहले किया था हमने वही हमने मान लिया, ठीक, कि ये जो है आपका क्या स्फेयर, गोला है, गोला। ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा आपकी, R है। ठीक है ना, ठीक, इस गोले की त्रिज्या क्या है आपकी, R है ना, गोले से सदा। ठीक, और इसका विकेंद्र क्या है, O है, यानी कि जो आपका आवेश है वो क्या है, इसी पर रखा हुआ है। तो इसको आप चाहे तरह से लिख भी सकते हैं, है ना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फिगर से ही समझें, है ना, जिसको नोट करना लिख लीजिए कि माना एक धनात्मक आवेश किसी बिंदु O पर रखा हुआ है, और O को केंद्र, मतलब एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, जिसका केंद्र क्या है, O है, है ना, तो आवेश जो है उस गोले के कहाँ है, केंद्र पर है। अब देखिए इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना, इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन होगा बेटा आपका, बताइए। तो देखिए हमने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होगा, और वह त्रिज्या के ही अनुदिश होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वह क्या होगी, इस रेडियस के, है ना, अकॉर्डिंग ही उसी के अलॉन्ग होगा, यानी उसी के अनुदिश होगा। ठीक, बाहर की ओर ही होगा, है ना। अब आइए देखते हैं इसमें, इस सतह पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, मान लीजिए पूरा आपका क्या है, गोला है, वृत्त नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई भी यहीं पे आप कवर कर लीजिए। ठीक, जैसे हमने कल किया था, एक छोटा सा एरिया आपने ले लिया, ठीक, डी ई, है ना। इसका यदि हम एरिया वेक्टर देखें, ठीक है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इसी साइड में होगा, है ना, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी, है ना, लिखिए, लिख लेंगे, सतह पर एक छोटा क्षेत्रफल डी ए लेते, है ना, कौन सा क्षेत्रफल आपने ले लिया, डी ए ले लिया। ठीक, अब देखिए जो डी ए की दिशा होगी वो सतह क्या होगी, लंबवत होगी, है ना, इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना, आप लिख लेंगे, चूंकि क्षेत्रफल, वेक्टर क्षेत्रफल, आप लिख लेंगे वेक्टर क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होती है, है ना,
तो जब यह सतह के लंबवत होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की ओर जा रहा है। इसकी भी ये भी इसकी भी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसकी भी इसका भी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई व डी ई की दिशा एक दूसरे के समानांतर होगी, है ना। इन दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। जो समानांतर हो जाएगी तो हम यहाँ से डी ए से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे, निकलने वाला फ्लक्स, ठीक, निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है आपका डी फाई मान लीजिए। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू हम जानते हैं वेक्टर ई इंटू डी ई, है ना, ठीक। इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका E इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दूसरे पैरेलल, थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, जीरो अंश। तो E इक्वल टू डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो अंश की वैल्यू क्या होती है, वन। तो E डी ए, है ना। तो डी फाइव इक्वल टू आपका क्या आ गया, E इंटू डी ए, ठीक। अब आइए यहाँ से हम फिर निकाल लेंगे, इस साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। डायग्राम आप बना लिए होंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। तो ये हो गया डी फाइव, मतलब इस छोटे से एरिया के लिए, है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, संपूर्ण सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, संपूर्ण सतह, देखिए यहाँ से स्टार्ट है आपका, है ना, ध्यान रखिए, संपूर्ण सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, क्या हो जाएगा आपका फाइव, है ना। तो डी उधर चला जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू, अच्छा सरफेस क्या है आपका, गोला है, है ना। तो फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक, डी ए आपका हो जाएगा फाइव इक्वल टू ए इंटू, है ना, जीरो टू फोर पाई आर स्क्वायर डी ए, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा फाइव इक्वल टू ई ए लिमिट जीरो टू फोर बाई आर स्क्वायर, या यहाँ से आपको मिल जाएगा ई इंटू फोर बाई आर स्क्वायर, है ना, ई इंटू फोर बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, ई इंटू फोर बाई आर स्क्वायर। अब आइए गॉस के नियम से क्या होता है हमारा, है ना, गॉस के नियम से किसी ठोस के सतह से निकलने वाला फ्लक्स, फाइ इक्वल टू क्या होता है आपका, फाइ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, है ना, ए इंटू डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। इस दोनों को इक्वेशन वन और टू क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, है ना। तो इधर वाला देखिए, इस पार्ट को हम जा रहे हैं रफ करने, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना, हम जा रहे हैं रफ करने, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका इक्वेशन वन और टू को हम क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग द, तुलना करने पर, ठीक है, इक्वेटिंग द इक्वेशन वन एंड टू, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ से आपका आ जाएगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हो गया। अब देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कि एक आवेश और दूसरे दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आइए यहाँ से आपकी ये वैल्यू किसकी आ गई, ई की वैल्यू आ गई, है ना। अब आगे आप लिख लेंगे,
ब्लैक मार्कर ये रहा। अब यदि आर दूरी पर कोई आवेश क्यू जीरो है ना, क्यू जीरो आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल F क्या होगा आपका, F बराबर हो जाएगा आपका E इंटू क्यू जीरो, और E की वैल्यू यहाँ से क्या करिए आप, पुट द वैल्यू ऑफ E है ना, इसको जब हम E की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो आपका F इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए E की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 1/4πε0 q/r² ठीक इंटू क्यू जीरो, और देखिए यही आपका क्या होता है कूलम्स लॉ होता है, ठीक है ना, यही कूलम का नियम है, ठीक तो हो गया प्रूफ। तो यही तरीका और कुछ नहीं है ना, सबसे पहले हमने क्या किया एक स्मॉल सरफेस एरिया के लिए निकाला है ना डीए को लेकर के, और उसके बाद फिर हमने कंप्लीट निकाला गॉस लॉस जो होता है दोनों को इक्वेट कर दिया, ई की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, और जब ई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए तो कोई आवेश होगा क्योंकि दो आवेश होंगे तभी कूलम्स का नियम जस्टिफाई होगा, तो कोई एक आवेश हमने मान लिया क्यू जीरो जो उससे क्या है आर दूरी पर रखा हुआ है तो उसके कारण लगने वाला बल क्या होगा आपका ई इंटू क्यू नॉट है ना, विद्युत क्षेत्र मल्टीप्लाई बाई जो आवेश होगा आपका पर्टिकुलर, और ई की वैल्यू आप कर देंगे तो कूलम का नियम आ जाएगा। तो ये एक डेरिवेशन है जो गॉस के प्रमेय के आधार पर कूलम के नियम की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए तो आज का एक टॉपिक है ना, और इसके पहले जो गॉस रिलेटेड हमने है ना दो डेरिवेशन आपको कराए, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और कल मैं आप लोगों को सारे तो नहीं लेकिन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एक दो कराऊंगा, ठीक है। जैसे कोई एक मान लीजिए आपका क्या है कि वायर है तार है ठीक है, जिससे प्लस धन आवेश आपका क्या फ्लो हो रहा है, उसके कारण किसी बिंदु पी पर है ना क्या फ्लक्स होगा, गॉस का नियम उसके लिए कैसे अप्लाई होगा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, एक अनुप्रयोग मैं करा दूंगा, बाकी आपको बुक से खुद करना होगा है ना। थैंक यू।